हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। ये मैं आज बना रही हूँ ब्रोस्ट। इसके लिए मैं पहले चिप्स बनाती हूँ। ये मैंने चिप्सों को ये कॉर्नफ्लोर भी लगाया है, ये देखें इतने मज़े के बने हैं। ये अब मैं इन चिप्सों को निकाल लूँगी। जब तक तेल निकलता है ऐसी रखूँगी। और अब मैं ये चिकन बना रही हूँ। इसमें भी मैंने ब्रोस्ट और जो है वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, और इसमें भी मैंने वही कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की, कॉर्नफ्लोर मैदे की। ये भी ऑलमोस्ट बन चुका है, अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। मैं अब दूसरी डालिए, ये भी पक गई, हम इसको भी निकाल लेंगे। ये जो है दही है, अब इसमें हम लोग पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधी चम्मच नमक की डालेंगे इसमें हम लोग। और उसके बाद इसको हम इसमें हम फिर मायोनीस भी डालेंगे। देखें, 1 स्पून, 2 स्पून इसमें हम मायोनीज़ के डालेंगे। और ये भी मैंने काट के रखी थी, ये मैंने कैबेज काट के रखी हुई थी, ये हम इसमें डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। जब तक यहाँ पे रखे रहेंगे जब मेरी छोटी बहन खाती रहेगी सब कुछ खा लेगी किचन में। ये है चिप्स जो मैंने अभी बनाए थे, ये है वही चिकन की जो मैंने अभी उस पर कोटिंग की थी, कॉर्नफ्लोर मैदे, काली ब्लैक पेपर, वाइट पेपर वगैरह की। ये है कैबेज जो हमने दही में डाला था, और फिर हम लोग इसके साथ कोल्ड ड्रिंक के साथ ये सब कुछ खाएंगे। अगर आपको भी खाना है तो आप भी घर पे ट्राई करें और खा के देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चलेगा। और ये आप ज़रूर खा के देखें, बहुत मज़े का है। आपको मैंने पिछली बार फ़िश की रेसिपी भी दी थी, आप उसको भी जाके चेक आउट कीजिए। चलें, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।